हेलो गाइस, तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं गर्म पानी पी रही हूँ और घर की साफ़ सफाई हो गई। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 बजने वाले हैं, 6 बजने को 10 मिनट कम है और थोड़ी देर पहले ही मैं मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ। तो अभी घर की झाड़ू भी लग गई है, आंटी आ चुकी हैं। मैं 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक करने गई थी। मॉर्निंग वॉक करके आके मैं गर्म पानी पी रही हूँ, तो मैंने इसमें नींबू डाला है तो इससे अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं ये पीती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद नहा कर फिर तैयार हो जाऊँगी। और मैंने करवा चौथ में मेहंदी लगाया था, उतने अच्छे से नहीं आता, जैसे भी आता है वैसे मैंने लगा लिया था। तो आप सभी ने कैसे करवा चौथ मनाया कमेंट करके बताइएगा। और मैंने इस बार बहुत अच्छे से करवा चौथ मनाया, मुझे प्यास भी नहीं लगी ना तो भूख भी लगा और बहुत आसानी से निकल गया करवा चौथ। और आज का वेदर थोड़ा सा पता नहीं गर्म जैसा है, ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। और ये पारिजात के फूल पता नहीं क्या हुआ कि आज बहुत जल्दी ही झड़ गए थे, तो हमेशा मैं इस तरह से लाकर इसमें रख देती हूँ। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। थोड़ा और गर्म पानी पी लेती हूँ, तो मैं इसमें गर्म करके रख लेती हूँ और बहुत देर तक गर्म रहता है। मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था अमेजॉन से, ये है सेलो का, 2 से 3 साल हो गया होगा इसे मंगाए हुए मुझे और 900 रुपीज़ पड़ा था उस टाइम। अभी पता नहीं इसका क्या प्राइस चल रहा है, पर 2 से 3 साल हो गया इसे मंगाए, तो तुरंत पानी गर्म करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हेलो गाइस, मैं नहा कर तैयार हो चुकी हूँ और कंघी मैंने अभी नहीं किया है, पूजा पहले कर लेती हूँ। तो चलिए फूल तोड़ लेते हैं। तो अभी सुबह हो चुकी है अच्छे से, मैं फूल तोड़ कर ले आती हूँ तब तक। तो आप सभी का भी गुड मॉर्निंग हो चुका होगा, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैंने फूल तोड़ लिया है और ये देखिए इतने फूल मिले मुझे, और सुबह पारिजात का फूल आजकल जल्दी झड़ जाता है पता नहीं, तो इतने फूल अभी मिले हैं मुझे और मैं भी पूजा कर लेती हूँ। चलिए तो कान्हा जी को स्नान कराते हैं और तैयार हो जाते हैं कान्हा जी। फिर आज है शुक्रवार है, तो आज पहनाएंगे कौन से कलर का कपड़ा तो देखते हैं।
तो मैंने यहाँ पर लिख कर रख लिया है कि किस दिन कौन सा कपड़ा पहनाना है। तो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को पहनाना है नारंगी कलर का। तो चलिए फिर नहलाते हैं कान्हा जी को। तो कान्हा जी का बाथ टब ले आते हैं पहले। तो ये रहा कान्हा जी का बाथ टब। तो मैं नहलाने के बाद आपको भगवान जी को दिखाऊंगी। कान्हा जी नहाकर तैयार हो चुके हैं और ये है उनका प्यारा सा ड्रेस सुनु सा। तो चलिए इनका श्रृंगार भी कर देते हैं। और ये है कान्हा जी का आसन, ये जगह पसंद आता है कान्हा जी को। तो हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं, अब मैं इनका श्रृंगार कर देती हूँ। तो कान्हा जी देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। तो लग रहे हैं ना प्यारे से हमारे लड्डू गोपाल। तो अभी इनका टीका थोड़ा गीला है तो सूख जाएगा, फिर मैं इनको पहनाऊंगी इनकी पगड़ी। तो आप सभी को देख रहे हैं कान्हा जी, तो आप इन्हें प्रणाम करिएगा। और ये सुंदर सा ड्रेस है कान्हा जी का जो मैंने लिया था। और ये है प्यारा सा पगड़ी। तो अब हो गए ना हमारे कान्हा जी तैयार। तो चलिए कान्हा जी को बैठा देते हैं आसन में उनके। तो अब बारी है हमारे
शंकर जी को नहलाने की, तो ये आ गए शंकर भगवान जी, इन्हें भी मैं नहला देती हूँ। तो हमारे शंकर भगवान जी भी नहा लिए, तो अब इनको मैं नैपकिन से साफ कर लेती हूँ और इनका भी श्रृंगार कर देते हैं। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगा हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव तो हमारा पूजा हो चुका है और आप सब भी भगवान जी को प्रणाम कर लें। सूर्य भी निकल आया है। तो फ्रेंड्स, घर में पूजा भी हो चुका है और बहुत ही अच्छी महक रही है घर, और आंटी भी काम करके चली गई है और हनी ब्रश करके आ रही है, बनी नहाने चली गई है। और यहाँ पर मैंने दाना दिया है चिड़िया को, तो चिड़िया यहाँ पर दाने खा रही है, तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ मंदिर के ऊपर मैंने दाना डाल दिया है। तो यहाँ पर माता रानी का भी पूजा हो चुका है। तो चलिए अब जाती हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो बच्चों के लिए टिफिन में आज क्या बनाऊंगी, तो क्या बनाऊंगी मैंने सोचा नहीं है, क्या बनाऊँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अब गाइज इतना लाइट है फिर भी से यहाँ पे अंधेरा क्यों हो जाता है, कैमरे में समझ ही नहीं आता मुझे। तो हम बनाएंगे चावल आटे का चीला, तो चीला बनाते हैं चलिए। तो चीला बनाने के लिए मैं ले लूँगी चावल का आटा, प्याज, धनिया और मिर्च। तो चलिए बनाती हूँ मैं चीला, तो फटाफट बनाते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा। जल्दी से मैं आटा निकाल लेती हूँ। मैंने चावल का आटा पिसवा कर रखा है, तो ये है चावल का आटा। तो हमारे
छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है चावल का आटे का चीला, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है इसमें, तो कई बार बनाने में लेट हो जाता है। देखते हैं बना पाती हूँ कि नहीं, या तो मैं प्याज नहीं डालती, प्याज डालूंगी फिर टाइम लगेगा, तो धनिया डाल देती हूँ और मिर्च डाल देती हूँ और प्लेन वाला चीला बना लेती हूँ, धनिया मिर्च और नमक डालकर। तो आप सभी को भी पसंद ही होगा चीला, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चीले के लिए ले लिया है आटा। तो बहुत ही टेस्टी वाला चीला बनाना है ना, तो सबसे पहले जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से आपको चीले को, जो आटा है उसे बहुत अच्छे से फेंटना है हाथ से मसल मसल कर। तो मैं धनिया पत्ती पहले काट लेती हूँ, मिर्ची भी काट लेती हूँ, फिर उसके बाद हाथ को आटे से करूँगी, सॉरी हाथ से आटे को करूँगी। तो यहाँ पर मैं चावल के आटे में डाल देती हूँ नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो इसमें अभी पानी मिलाएंगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा नमक डालेंगे आटे में, जिस तरह से हमें डालना चाहिए उससे। उसके बाद हम यहाँ पर काट लेते हैं धनिया को, तो यहाँ पर मैंने धनिया और मिर्च को ले लिया है धोकर, तो इसे मैं कट कर लेती हूँ, एकदम बारीक कट कर लूँगी और इसे अच्छे से फेंट लूँगी मैं। थोड़ा सा आटा और डालना पड़ेगा लग रहा है, कोई नहीं, देख लेते हैं पहले कितना बनता है, उसके बाद फिर मैं और आटा डालकर इसमें बना लूंगी। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए आटे में पानी डालकर इसे इस तरह से मसल मसल कर पहले अच्छे से मसल लूंगी। तो मेरा स्टैंड है वो थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, इसीलिए बन नहीं रहा दिखाते। तो इसी तरह से मैं आटे में हल्का हल्का पानी डालकर इसे गूंदते जाऊंगी, तो डायरेक्ट पानी डालने से उसमें गठाने आ जाती हैं, तो इस तरह से गूंदते जाने से ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये मैंने अपनी भाभी को देखकर सीखा है। तो इस तरह से पहले मैंने गूंद लिया आटे को अच्छे से, अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं पानी डालकर गूंदते जा रही हूँ इसे। अब मैं इसे पानी डाल देती हूँ अच्छे से, जितना हमें चीला में चाहिए। तो ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है, अब इसे हम पानी डालकर मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी और इसे कर लेते हैं अब अच्छे से मिक्स। तो तवे को गर्म करने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं आटे को मिक्स कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा आटा का घोल तैयार हो चुका है चीला के लिए, तो ये इस तरह से हमने रखा है और बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने तवे को भी रख लिया है, और इसके साथ खाने के लिए हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी। तो चलिए बनाते जाती हूँ, फिर दिखाऊंगी, क्योंकि कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है मेरा, देखती हूँ। हाँ ये ठीक है, गुड, लेकिन ये लुढ़क जा रहा नीचे। नमक ही है ना, और तो सबसे पहले डालेंगे ऑयल, तो ऑयल डाल देती हूँ मैं, और एग्जॉस्ट को कर लेते हैं ऑन।
फेस में काला काला दिखता है, पता नहीं लाइट। तो तवे को बहुत अच्छे से गर्म होने देते हैं पहले, और हमारा चटनी भी पीसना तैयार है। तो चलिए डालती हूँ मैं इसमें फूल। फर्स्ट टाइम मैंने डाल दिया है और इसे ढक लेते हैं और ढक कर पकने देते हैं। तो देखते हैं हमारा चीला कैसे बनता है। फर्स्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता उतना जैसे बनना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बनेगा धीरे से। और ये है मेरी करवा चौथ का मटका जो मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो इतना लाइट होने के बाद भी अंधेरा अंधेरा दिखता है, कई बार समझ नहीं आता मुझे क्यों ऐसा दिखता है। तो चलिए देखते हैं हमारा चीला बना के ही। बहुत ही अच्छा बना है मेरा चीला, और ये आसानी से पलट भी रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये चीला बहुत अच्छे से पलट गया, ये देखिए। तो इसे मैंने इस तरह से पलट लिया और ये रहा हमारा चीला। तो फाइनली अच्छा ही बना। तो इस तरह से आप भी ट्राई करिए, कभी कभी क्या होता है कि बनता नहीं है, तो इस बार बहुत अच्छे से बन गया, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। तो मैं पूरी चीज़ें बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक क्या, और बनी भी आ गई यहाँ पर अपना चीला खाने के लिए। तो बनी को अभी चीला नहीं दूँगी, पहले कंघी कर लेती हूँ जब तक चीला बना, क्योंकि चीला बनने में बहुत टाइम लगता है। चलो बच्ची ना, ये बच्चे का चीला तैयार हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और बहुत ही अच्छा वाला देखिए, क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है। ये रहा हमारा फर्स्ट चीला, अभी और डाल देती हूँ मैं, तब तक ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा। रुको, अभी करने दो, और तब तक मैं एक और चीला डाल देती हूँ। अभी मैं ऑयल नहीं डाली हूँ, देखती हूँ देखता है कि नहीं, तो बार बार ऑयल नहीं डालेंगे। और इसे हम देते हैं ढक, तो ढक कर पकाने से बहुत जल्दी बन रहा है। तो बनी का मैं तब तक कर लेती हूँ कंघी। कंघी लेके आओ, तो बनी आज टीवी देखने के लिए जल्दी जल्दी नहाई है ना। कल मैं बोलती थी लेकिन टाइम पे तो नहीं उठे। तो लेट उठे ना, उसको तो उठाई थी मैं सुबह। चलिए मैं एक और चीला को पलट कर देखती हूँ, और थोड़ा सा वाह, ये भी बहुत अच्छे से पलट रहा है, तो आप देख सकते हैं।
फाइनली मेरे को चीला बनाना अच्छे से आ गया, जो पलट रहे हैं और ये रहा पलट गया। तो ये बिना ऑयल का है, थोड़ा सा ऑयल अभी डाल देती हूँ मैं। तो इस तरह से हल्का सा और इसे होने देते हैं गरम। पलट पलट कर सेक लेते हैं। तो पनीर का एक चोटी बचा है तो एक चोटी मैं कर लेती हूँ तब तक। और बनी बताएं कि चीला कैसे लग रहा है, अपना प्लेट तो दिखा दे, चीले का तोड़ के दिखा दे। मेरा ये चीला भी दोनों तरफ से सीख चुका है तो वहाँ जल्दी बन रहा है इस बार चीला फटाफट। तो ये चीला भी बनकर तैयार हो चुका है और ये भी बहुत ही क्रंची बना है। कैमरे में नहीं आना चाहते कुछ लोग। तो आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा चीला जो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का चीला और फरा बहुत फेमस, आप भी देख सकते हैं बहुत ही क्रंची और अच्छा बना हुआ है। तो चलिए मैं पूरा चीला बना लेती हूँ फिर आपसे बात कर। तो बनी और हनी तैयार हो चुके हैं, बनी तैयार होके बैठी हुई है उधर और उसने चीला खा लिया है और हनी भी तैयार हो चुकी है। और हमारा टमाटर का चटनी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये रहा हमारा टमाटर का चटनी और अभी भी मैं चीला बना रही हूँ। और टिफ़िन के लिए मेरा तैयार हो चुका है, एक एक बच्चे खा चुके हैं। तो इतने देर में अभी तक में मेरा बना है 6 चीला और ये और रहा चीला जिसे मैं पलट रही हूँ। हल्का सा ऑयल डाल देते हैं सभी को, बहुत अच्छा लगता है चीला। तो फ्रेंड्स जब चीला बनाते हैं ना तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल दें, उसके बाद फिर ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का हल्का डालें ड्रॉप ड्रॉप में। तो इस तरह से मैंने हल्का हल्का ऑयल डाला है। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है ऑयल, उसके बाद फिर आप कम ऑयल डालकर भी बना सकते हैं। तो दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर हनी खा रही है और वहाँ पर बनी खा रही है। तो हनी भी तैयार हो चुकी है, ये रही हनी और ये रही बनी। तो बनी अपना बताएगी कैसे लगा चीला उसको, और पाउडर तो लगा लिया करो। मैं नहीं लगाती। नहीं लगाती और तभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखा अपना चीला कैसे लग रहा है, बताओ। तो चलिए फिर हम करते हैं बाय बाय और बनी और हनी जाने वाले हैं स्कूल। और ये रहा हनी के पापा का चीला। तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं चटनी टमाटर की, तो इसी के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है, सॉस के साथ उतना अच्छा नहीं लगता। तो आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।
बाय 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 बाय।